झारखंड की एक और बेटी पर जुल्म किया गया और ये खबर दिल्ली से आई है, जहां रिटायर्ड आईएएस बीजेपी नेता ने दिल्ली में घर में काम करने वाली महिला पर जुल्म किया। बीजेपी नेता सीमा पात्रा की बेटी भी आरोपी बनाई गई है। घरेलू काम करने वाली महिला के साथ उत्पीड़न के मामले में रिटायर्ड आईएएस की पत्नी और निलंबित भाजपा नेत्री सीमा पात्रा की बेटी को भी आरोपी बनाया जा सकता है। इसे लेकर शिकायतकर्ता ने हटिया डीएसपी को आवेदन दिया है और इस केस में आरोपी सीमा पात्रा के अलावा उसकी बेटी भी बराबर की जिम्मेदार पाई गई है। पीड़िता जिस स्थिति में है उसके लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि पीड़िता दिल्ली में रहने के दौरान आरोपी सीमा पात्रा की बेटी के द्वारा भी उसके ऊपर शारीरिक और मानसिक हिंसा की जाती थी, जो कि पीड़िता का मेडिकल रिपोर्ट देखने से भी पता चल रहा है। तो एफआईआर में इस वक्त सीमा पात्रा का नाम मुख्य अभियुक्त के रूप में है, लेकिन अब मांग की जा रही है कि सीमा पात्रा की बेटी का भी नाम इसमें दर्ज किया जाए। गौरतलब है कि मामले को लेकर रिटायर्ड आईएएस की पत्नी और भाजपा से निलंबित नेता सीमा पात्रा पर अरगोड़ा थाने में आईपीसी की धारा सहित SC ST एक्ट के तहत भी मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच के लिए हटिया DSP राजा मित्रा को केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया गया है। सीमा पात्रा के अशोकनगर स्थित आवास में लंबे समय से पीड़िता को बंधक बनाकर रखा गया था, जिसे पुलिस ने मुक्त कराया। पिछले 8 सालों से घरेलू कामकाज के लिए इस युवती को यहां रखा गया था और लंबे समय से बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा था। उसे घर से बाहर तक निकलने नहीं दिया जाता था। घर में इस महिला को बंधक जैसे बनाकर रखा गया हो। युवती ने किसी प्रकार मोबाइल पर विवेक आनंद नाम के एक सरकारी कर्मचारी को मैसेज भेजकर अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में जानकारी दी। उन्हीं की सूचना पर अरगोड़ा थाने में ये शिकायत दर्ज करवाई गई। संवाददाता रविकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, बहुत ही दिल दहला देने वाली ये खबर सामने आई है और जो पीड़ित महिला है उसकी तस्वीरें तो ना हम खुद देख पा रहे हैं ना लोगों को दिखा पा रहे हैं, हालांकि धुंधली कर ये खबर लोगों तक जरूर पहुंचा रहे हैं। किस तरह से रांची की इस महिला पर दिल्ली में अत्याचार हुआ, जरा पूरा मामला विस्तार से बताएं। देखिए ज्योति, ये सस्पेंडेड बीजेपी लीडर हैं सीमा पात्रा, उनके हस्बैंड जो हैं वो एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और पिछले 8 साल से ये जो युवती है इनके घर पर घरेलू काम करती थी। लेकिन जानकारी ये मिली है कि इसके साथ बहुत ही मिसबिहेव किया गया, इनको मारा पीटा गया और इसके बाद इन्होंने किसी तरीके से इस बात की जानकारी जो है एक थाने में अपने किसी व्यक्तिगत सहयोगी के माध्यम से दर्ज कराई। उसके बाद जो है अब ये पूरा का पूरा मामला जो है वो संज्ञान में आया है और जानकारी ये मिल रही है कि इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनको SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और इस पूरे मामले में जो वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ये कहना है कि हमने पीड़िता का बयान दर्ज किया है और उनका कहना है कि उनकी मानसिक स्थिति इस तरीके से कर दी गई थी कि वो अपनी बातों को सही से बता भी नहीं पा रही थी। आप यकीन मानिए कि पिछले 8 साल से आपके घर में कोई काम कर रहा हो, आपने उसे बंधक जैसा बना लिया हो, उसे घर से बाहर ना निकलने दे रहे हों और लगातार यातनाएँ दी जा रही थी, लेकिन अब मामला जो है वो पुलिस के संज्ञान में आ गया है और इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो निलंबित बीजेपी नेता हैं सीमा पात्रा और उसके साथ ही उनकी बेटी को भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है।